तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हुंकार में। पहले बीजेपी से लड़ाई, फिर सरकार से लड़ाई और अब भारत से लड़ाई। ट्विटर की मनमानी ने इस बार तो सारी हदें तोड़ दी है। सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस लागू होने से पहले ट्विटर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। खुद जज बनकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको मैनिपुलेटेड बता दिया। कोई बात, इस मोर्चे पर बीजेपी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। फिर सरकार की सोशल मीडिया गाइडलाइन लागू होने के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक हटा दिया। 3 दिन पहले ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया। इस मोर्चे पर भी मैं कहती हूं कि सरकार ट्विटर से कानूनी लड़ाई लड़ लेगी, लेकिन आज जो ट्विटर ने किया वो किसी भी तरह से बर्दाश्त के लायक नहीं है। किसी भी तरह से इस बार ट्विटर ने भारत के ताज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से ही गायब कर दिया। वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसके लिए भारत इस वक्त दो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, चीन और पाकिस्तान अघोषित युद्ध लड़ रहा है, जिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हिफाजत के लिए हमारे हजारों जवानों ने कुर्बानी दी, हो सकता है आपके परिवार का भी बच्चा इस वक्त सरहद पर हो, कश्मीर जम्मू और लद्दाख की हिफाजत कर रहा हो, कश्मीर और लद्दाख के लिए हर भारतवासी लड़ने और मरने के लिए तैयार है। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में ट्विटर ने यह गलती की हो, क्योंकि ऐसी एक गलती ट्विटर पहले कर चुका है और भारत के नक्शे से लद्दाख को हटा चुका है। फिर भारत ने कड़ा एतराज जताया था, याद कीजिए। फिर क्या किया था इस चिड़िया ने, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर यही हरकत, और इसीलिए आज हुंकार ट्विटर के भारत तोड़ो रवैये के खिलाफ भरनी है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भारत पे आप काम करिए, आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। कानून मानने की बात पर पिछले कुछ हफ्तों से सरकार से दो दो हाथ कर रहे ट्विटर ने इस बार मनमानी की सारी हदें तोड़ दी। 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हुए ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट के करियर सेक्शन में भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया है। ये बहुत गंभीर मामला है, जिस प्रकार से ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, ये हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है, ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, सरकार की जो एजेंसियां हैं जो इन चीज़ों को देखती हैं उन्हें लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कोई भी आए, कोई भी नक्शा ऐसे देश दुनिया के सामने रख दे, उससे किरकिरी होती है देश की, ये गलत है, बहुत शर्मनाक है, और सरकार का ध्यान जाना चाहिए इन चीज़ों पे। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में ट्विटर को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। एबीपी न्यूज की खबर का संज्ञान भारत सरकार ने भी लिया है। सरकार ट्विटर की हरकत से जुड़े सभी तथ्य और जानकारी जुटा रही है। इन तथ्यों के जानकारी को जुटाने के बाद भारत सरकार ट्विटर को नोटिस देकर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। ये पहला मौका नहीं है जब ट्विटर ने देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की हो। पिछले साल नवंबर में भी ट्विटर ऐसी हरकत कर चुका है। उस वक्त भारत और चीन के बीच गलवान और सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा था। बाद में ट्विटर ने लिखित माफी मांगी और भविष्य में गलती ना दोहराने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर अपनी हरकत से बाज नहीं आया। केंद्र सरकार और बीजेपी से लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की जरूरत ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब बता दूं जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसमें बहस में हिस्सा लेने के लिए, अभिज्ञान प्रकाश मेरे सहयोगी नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि संपादक है इंडियन मिलिट्री रिव्यू के। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू सर आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रोहन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन दुग्गल साहब साइबर कानून एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुस्कुराते हुए अभिनिजेश अवस्थी भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। थैंक यू प्रोफेसर फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीर में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी माजिद हैदरी साहब। शुरुआत करते हैं
सबसे पहले जनरल जी डी बख्शी, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, 2006 में ये चिड़िया ने उड़ना शुरू किया था। 21 मार्च को 2006 को स्थापना हुई थी इसकी, और ये 1947 के भारत को तोड़ने की साजिश रचेगा। मैं साजिश कह रही हूँ और सोच समझ के साजिश कह रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, एक हद के बाद दूसरी हद, एक सीमा रेखा के बाद दूसरी सीमा रेखा, ये लगातार ट्विटर लांघते जा रहा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ब्लूटिक हटा देना, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ट्वीट को ब्लॉक कर देना कोई अरसे के लिए, और उसके पश्चात अब तो आपने हद ही कर दी। हमारे हजारों सिपाही शहीद हो गए, कुर्बानी दी है उन्होंने कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे। लद्दाख में पिछले साल ही हमारे एक कर्नल और 19 जवान शहीद हुए। आपकी कैसे ये हिमाकत हुई, कैसे आप इसको ओवरसाइट नहीं बोल सकते? ये बहुत डिलिबरेट प्रोवोकेशन कि आप जम्मू कश्मीर को देश से अलग दिखाए, लद्दाख को तो आपने गायब कर ही दिया, पूरा है ही नहीं उस नक्शे। दिस इज एन एफ्रंट। आई थिंक ये जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस के साथ ये जो एक एटीट्यूड है, यू नो, कल एक बहुत ही आउट ऑफ डेट, वो जिसको बोला जाता है एनाक्रोनिज्म टाइप एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये किसी की बात पर के बाहर किया है, नहीं, ये बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता है। जनरल बख्शी, जो आपने बात कही, मुझे लगता है ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ऑन द पैनल इज गोइंग टू एग्री विद दिस। लेकिन माजिद हैदरी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये तस्वीर देखी? तो देखिए मैडम, ट्विटर का सबसे बड़ा गुनाह ये है और जुर्म ये है कि वो पिछले कुछ वर्षों से हम बेजुबान भारतीयों की, मुसलमान लिबरल भारतीयों की जुबान बन गया, और अब भाजपा चाहती है कि इस चिड़िया को सिर्फ नागपुर के पिंजरे में बंद नहीं करना है, इसके पंख भी काट देने। और आप नोटिस की बात करी थी, इतनी ज्यादा नोटिसेस बेचारे ट्विटर को भेजी जा रही है कि एक मंत्रालय बनाना चाहिए ट्विटर नोटिसेस का, और संबित पात्रा जी को उसका मंत्री बनाना चाहिए। ट्विटर जो है, ट्विटर भारत की जागीर नहीं है, ट्विटर एक अमरीकी कंपनी है जो विश्व भर में काम करती है। ये नागपुर के डिक्टेशन पे नहीं चल सकती। और जहां तक आप बात कर रही है नक्शे की, देश का नक्शा भाजपा ने बिगाड़ दिया है। ऑक्सीजन की खातिर लोग मरते हैं, गलवान वैली के अंदर चाइनीज आर्मी आती है, कल जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन आया अंदर 40 किलोमीटर। नक्शा है कहां देश का? आप मुझे बताइए पहले, दक्षक निक्षक कृपया करके नक्शा किधर है देश का? आप कहां से बैटिंग कर रहे हैं मुझे ये तो बताइए। बड़ा ट्विटर के, आपको ट्विटर के यहाँ पर नोटिस भेजने पर, ट्विटर को दिक्कत होने पर आपको बहुत दिक्कत हो रही है ना माजिद हैदरी साहब? और मुझे ये बताइए कि ये बेजुबान मुसलमान, अब हर चीज में मुसलमान क्यों आप घुसा देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। हर जगह क्या मुसलमान मुसलमान जी, बिल्कुल इसके बगैर आपका खाना नहीं हजम होता क्या? क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है, संबित पात्रा जी को भी पिछले दिनों मिर्चे लगी जब मुसलमानों का मसला उठा इस पर। नहीं, इसमें मुसलमान कहां से आ गया? बात हिंदुस्तान की हो रही है माजिद हैदरी, इसमें मुसलमान कहां से आ गया? कहां से आ गया? हिंदुस्तान का हिस्सा तो हिंदू भी और मुसलमान भी है, सिख भी और ईसाई भी है। आपका एजेंडा साफ दिखने लगता है। नहीं मैडम, नहीं, हम मुसलमानों को हर दिन इस मंच पर आके अपना देशभक्त होने का सबूत देना पड़ता है। प्लीज यार, अभी जनरल ये ना विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। हम मुसलमान, मैं बात कर रही हूँ ट्विटर की, मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान की, और यहाँ आप लोग बैठकर मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं। ये कोई टाइम है मुसलमान मुसलमान करने का? मैडम नक्शा का हम नहीं, ट्विटर अच्छा बताओ कितने, नहीं आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए हिंदुस्तानी की तरह लड़ना आपको पसंद आएगा कि नहीं? पहले मैं मुसलमान तो कहिए, फिर पाकिस्तान आके लड़ ले आपकी लड़ाई, मैं तो कहिए ना, आपको तो वैसे भी बड़ा यकीन है उस पर। कह रहा हूं कि हमारे देश का नक्शा कहाँ है, मुझे बताइए ना आज नक्शा कहाँ है। 40 किलोमीटर अंदर कल पाकिस्तानी ड्रोन आया और वापस चला गया बॉम्ब फेंककर हमारे एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर, और हम कुछ नहीं कर पाए। चाइनीज सेना गलवान वैली के अंदर आ जाती है, बताइए ना माजिद हैदरी, क्यों हो पाता है ये जनरल बख्शी? क्योंकि हमारी सरकार फेल हो गई है, असुरक्षित है। वो हमको बताएंगे कैसे पाकिस्तान से लड़ना, कैसे चीन से लड़ना। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बोलें कि हम सब भारतीय हैं, जो हम एनसीसी के छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। जब हमारी सीमाओं की बात होती है तो हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का उस वक्त कोई सरोकार नहीं होता। हम सब भारतीय हैं,
हमारी सीमाएं भारत की सीमाएं है। और मैं उम्मीद करता हूं माजिद हैदरी साहब से, क्योंकि उन्होंने भी इस मादरे वतन का नमक खाया है, कि वो इतनी वफादारी दिखाए कि वो एक आवाज में एक सुर में बोले कि साहब भारत की सीमाओं से कोई सौदा नहीं, कोई सौदा नहीं, उसमें आप सक्के हो जाते हैं एक अमेरिकन कंपनी के। नहीं साहब, अगर वो नहीं, मुझे जनाब राय साहब, जब आप बोल रहे हैं साहब, मैं सीमा में नौकरी करके आया हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सीमा का। 40 किलोमीटर का पाकिस्तान ले गया। दूसरी बात, सीमा कहाँ है देश की? तहजीब होनी चाहिए। जब आप बोल रहे थे, बड़े अदब से हमने आपको सुना, अब जरा विजय बोलने के लिए कहा गया है, आप भी उतना अदब दिखाए प्लीज। देखिए, ट्विटर एक अमेरिकन कंपनी, वो दबा के प्रॉफिट कमा रही है भारतवर्ष, ठीक है? अगर वो भारतवर्ष में प्रॉफिट कमाना चाहती है, जो भारतवर्ष के कायदे कानून है उस पे चलना उसके लिए लाजमी है, ठीक है साहब? हेट उर्दू में बोल रहा, उस पे चलना उसके लिए लाजमी है। वो अपने घर के कायदे कानून यहां नहीं लगा सकते, वो अमेरिका के कायदे कानून हमारे सर नहीं थोप सकता, वो यहां हमारे देश में आके लोगों को आपस में लड़ा नहीं सकता, वो वैमनस्य नहीं पैदा कर सकता बिटवीन कम्युनिटी, ठीक है? हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी है, और कुछ है हम में कि माजिद हैदरी साहब, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, अगर ट्विटर भी इसमें कूद जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जलील बख्शी, माजिद हैदरी साहब, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन रोहन गुप्ता, मुझे लगता है आप भी इस बात से अग्री करेंगे। देखिए, संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करना, फिर उसके बाद वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा देना, फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद का अकाउंट एक घंटे के लिए लॉक कर देना, यहां मैं समझ सकती हूँ रोहन गुप्ता साहब के राजनीतिक तौर पर आपको खुशी मिल गई होगी कि चलो ठीक है, इन लोगों के साथ अच्छा हुआ, ये हमारी राजनीति राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नक्शे को जब बदल देती है ये एक इत्तू सी कंपनी, तो गुस्सा तो आना चाहिए ना, तो खून तो उबाले मारना चाहिए ना, हम कर क्यों नहीं रहे कुछ? बिल्कुल, आपने जो कहा, जब देश की बात आएगी तब कोई खुशी की बात है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है ट्विटर की, और उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, हम सरकार के साथ में खड़े। आपने दो टाइप के एग्जांपल दिए, आपने कहा कि जब संबित पात्रा की बात की, जब उसने हमारा गलत लोगो यूज करके ट्वीट किया, फिर उस पर आपने उपराष्ट्रपति की बात की, फिर रोंजी फ्रीज हो रहा है, काफी ट्वीट ऐसे थे जो सरकार के खिलाफ थे, जिसको हटाने की बात की गई वो भी उसमें आ गई। लेकिन मुद्दा जहाँ पे देश की बात है रुपी का, जी उसमें कोई डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं, ये अलाउड ही नहीं, वो भारत की कंपनी है तो उसको हमारे देश का जो भी हमारे नीति उसको मानना। तो रोहन जी मुझे ये बताइए ना, ये ट्विटर ऐसा कर क्यों रहा है, क्या वजह है, कहाँ से मिल रही है इसे? ट्विटर का मैं वकील नहीं हूँ कि आप मुझे पूछेंगे, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हूँ जो आप ट्विटर ने किया, वो नहीं होना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। पर मेरा यहाँ पे और एक मुद्दा है, जिस प्रकार से हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि सरकार, ये भी गलत है, अगर सरकार कोरोना के काल में कुछ कदमें विफल रही है तो सरकार को अपनी जवाबदेही करनी होगी। अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, हमारा ही लेटर रेट गलत यूज करके हमने जब ट्विटर को भेजा, उसके सामने एक्शन लेना, दो चीज को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे कोई भी हो, ये जो हरकत जो की है उनको माफ नहीं करना चाहिए, हम लोग साथ में खड़े। पर जहां सरकार की बात आती नहीं, पर इसमें एफ एन बट क्यों कर रहे हैं आप? आज के मुद्दे पर अगर बात करें तो एफ एन बट की क्या जरूरत है? क्लियर है ना, तो फिर आप बट मत कीजिए ना, आज बट मत कीजिए, आज मत कहिए कि लेकिन, आज मत कहिए ना लेकिन, आज इस शब्द का इस्तेमाल करने से बच जाइए, क्या हो जाएगा? आपने जब शुरुआत की, आपने इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिए हैं ताकि आप उस एग्जांपल की तरफ जाए ना, आप सीधे तौर पर इस बात को मान लें कि आज जो कुछ भी ट्विटर की तरफ से हुआ है एक सख्त एक्शन की जरूरत है और उससे कम कुछ भी नहीं है, हरकत नहीं होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए ट्विटर के खिलाफ। वंडरफुल, आप निजेश अवस्थी साहब, हिम्मत देखिए आप, मतलब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट लॉक कर देंगे,
आप अपने उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटा देंगे, आपकी जो ये कोई ट्विटर कंपनी थोड़ी है हिंदुस्तान, कि आपकी जैसी इच्छा आएगी आप करने लगेंगे, इसको शेयर बेच दूं, इसको शेयर बेच दूं। अरे ये हिंदुस्तान है, इसके हिस्से इधर उधर नहीं लगाए जाते। हम चुप क्यों है, दबाव में क्यों है? टिकटॉक तो हमने फॉरन बैन कर दिया, ये क्यों नहीं कर रहे? रुबिका जी नमस्कार। इसका जवाब तो सरकार ही देगी, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि ट्विटर ने भारत के नक्शे से कुछ हिस्सा हटाया है। मुझे लगता है कि भारत के मानचित्र से ट्विटर को हटा दीजिए, खत्म बात। यही एकमात्र इलाज है इसका। हम ट्विटर के गुलाम नहीं है। जब ट्विटर नहीं था तब भी हम जी रहे थे, जब ट्विटर नहीं होगा, जिनके पास नहीं है वो भी जी रहे हैं। 1,70,00,000 लोगों के पास है करीब ट्विटर, 137 करोड़ में से सिर्फ इतने लोगों के पास है ट्विटर। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, मूलभूत आवश्यकताओं में से नहीं है। इसलिए बड़ी साफ सी बात है कि ट्विटर एक, लेकिन उसका कारण आपने एक बात पूछी कि ट्विटर ऐसा कर क्यों रहा है। ये भारतवर्ष में एक सो कॉल्ड लिबरल जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं ट्विटर को बैक करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर खुद ये बात मानता है। अभी ट्विटर का जो ग्रीवेंस ऑफिसर था उसने भी कोई बोल रहा है बीच में, मुझे हेलो, सो कॉल्ड लिबरल लॉबी जो है, सो कॉल्ड लिबरल लॉबी जो है वो एक ट्विटर को मॉरल सपोर्ट देती है। आपको कब पढ़ी, आपको कब सो कॉल्ड लिबरल लॉबी की पढ़ी? आप तो बैन कीजिए ना, आप इस चिड़िया के पर क्यों नहीं कतर पा रहे हैं? मैं ये नहीं समझ रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने तो मुझे याद है चाइना के ऐप्स को बैन करने में आपको जरा संकोच के कह रहा हूं कि ट्विटर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं है। हाँ तो बस बात खत्म। तो क्यों बार बार हम धमकी, अब की बार कुछ किया तो हम बताएंगे, अब की बार कुछ किया तो हम बताएंगे। गलत कर रही है सरकार, अब कर चुकी है तो हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लेना चाहिए बिल्कुल, सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए, घंटे भर के अंदर एक्शन लेना चाहिए। पवन दुग्गल साहब, घंटे भर के अंदर एक्शन लेना चाहिए, अब तक एक्शन हो चुका जाना चाहिए था अब तक। ओके पवन दुग्गल साहब, कोर्ट में लड़ाई बाद में लड़ते रहेंगे। मैं देख रही थी सर, हम लोग 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, ट्विटर को इस्तेमाल करने वाले 2.25 करोड़ लोग, ट्विटर का 17-18 में जो मैंने मुनाफा देखा है हिंदुस्तान से कुछ 56-57 करोड़ का है, If I'm not mistaken, ये कंपनी हमसे कमा रही है। दुग्गल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा सा डिले है तो हम थोड़ा इंतज़ार कर ले, तो देख रहे हूँ क्या वाकई ही 57 करोड़ है या उससे ज़्यादा का मुनाफा है। दुग्गल साहब, कंपनी तो हमसे कमा रही है, मलाई भी आपकी मार्केट की खा रही है, लेकिन आप ये कानून का पालन नहीं करना चाहते। भाई जिस कंपनी को आदत हो जाए, जी आपको आवाज आ रही है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं पवन जी, बहुत डिले है लेकिन सुन पा रहे हैं। जी मेरा कहना यह है कि ट्विटर भारत की जो कानूनी व्यवस्था है उसका पालन नहीं करना चाहता और वो आपकी मार्केट की मलाई भी खाना चाहता है। अब आपको ट्विटर ने इतने सारे मौके दे दिए हैं कि आप ठोस कानूनी कार्रवाई करिए, आईटी रूल्स के तहत उनके अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट उनके खिलाफ दाखिल करिए, लेकिन ये एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये डिपेंड करेगा सरकार की पॉलिटिकल विल पर। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए उतनी जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को ये संदेश मिलना जरूरी है कि आप अगर भारत में रहते हैं, भारत से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। रीजन के हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारे मैप के साथ छेड़खानी कर ली है तो मान लीजिए, एक बार नहीं है ना दुग्गल साहब, एक बार मैप के साथ छेड़खानी नहीं की है, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था, फिर हमने एतराज जताया तो उसे ठीक करने की कोशिश की, और आज तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सब के सब मर्ज कर दिए।
हमारे साथ अभिज्ञान भी है। अभिज्ञान, रशिया ने $1,00,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया था मॉस्को की अदालत ने अप्रैल 2021 में। आयरलैंड में दिसंबर 2020 में इस ट्विटर ने कानून तोड़ा था तो $5,50,000 का जुर्माना लगा था। टर्की में बता दूं नवंबर 2020 में कई सारी कंपनियों पर जुर्माना लगा था, उनमें से टॉप पर ट्विटर। हम क्यों कतरा रहे हैं? दो तीन पॉइंट अब बिल्कुल क्लैरिटी से रख दूं, मैं सबको सुन रहा था रूबिका। पॉइंट नंबर वन, ट्विटर की हिस्ट्री है, और सही आपने कोट किया है कुछ देशों के उदाहरणों को, उसकी हिस्ट्री है ओवर द टॉप जाने की, यानी कि दायरे से बाहर जाने की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिजनेस वेंचर है, ये व्यापारिक और व्यवसायिक काम है एक कंपनी का, तो ये जिस भी कंट्री में ऑपरेट करेगी कानून तो उसको स्वाभाविक है उस कंट्री का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक मॉडल के तहत, एक बिजनेस आइडिया के तहत ट्विटर ऑपरेट करता है। तीसरा पॉइंट, इन सारी घटनाओं के बाद जो ज्यादातर पैनल आपका कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह जवाब ना मैं दे सकता हूं, ना आप दे सकते हैं, ना यहां पर जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट बैठे हैं वो दे सकते हैं। गवर्नमेंट को एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन दिखाना पड़ेगा कि ट्विटर ये है आपके खिलाफ एक्शन, ये है आपके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि आपने, और ये सब घटनाएं आज की नहीं है, मुझे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, आपने फिर जो है ऐसी एक घटना की है जो सॉवरेनिटी को क्वेश्चन करने की स्थिति में लाकर खड़ी कर देती है। तो ये तीन चीजें बहुत फंडामेंटल हैं, और उन सब लोगों को, ये मैं अपना कमेंट इसमें ऐड कर रहा हूं, भूल जाना पड़ेगा यथास्थिति में। मैं अग्निवेश जी से की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि किसके क्या फॉलोअर और क्या फॉलोइंग और ट्विटर का माहौल बनाना, फॉरगेट इट, सब भूल जाना। यहां पर अगर आपने इस पॉइंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें क्या सोचना, मतलब हिंदुस्तान बड़ा है ना, यहाँ बैठकर हमें सिर्फ ज्ञान थोड़ी देना होगा। शिद्दत से अगर जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है उसे इन फॉलोवर्स और हमारी कितनी वहां पर स्टैंडिंग है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जब तक ट्विटर को ये ना सिखा दिया जाए सबक कि देखो तुम्हारे बगैर भी बहुत शानदार तरीके से काम चल सकता है, तब तक ये चिड़िया काबू में नहीं आएगी। तो क्या पाबंदी ही ट्विटर का आखिरी इलाज है? इसी पर आज बहस हो रही है हुंकार में। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। माजिद हैदरी साहब, बैन कर देना चाहिए ट्विटर को? देखिए रुबैका साहब, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ₹1,00,000 करोड़ डिजिटल इंडिया पे खर्चाए पिछले 6 वर्षों में, लेकिन हमारा भारत देश एक ट्विटर नहीं बना पाया, एक फेसबुक नहीं बना पाया। वो ₹1,00,000 करोड़ कहां गए वो तो सरकार ही जानती। अब आपने जो कहा ट्विटर को बैन करने की बात, और आप ही ने कहा कि टिकटॉक अगर बैन हुआ तो ट्विटर क्यों नहीं बैन? देखिए टिकटॉक पर संबित पात्रा जी, इसके बारे में पता है? इसके बारे में जी, एक येलो कलर की चिड़िया है, ट्विटर ब्लू कलर की है, एक येलो कलर की चिड़िया है, उसे बोलते कू। अच्छा, कुछ कू 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 कू, ओके, हाँ जी जी जी, थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैं आईटी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से, नाइजीरिया में स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत कू कू पता है जी जी बिल्कुल। आपने जो बात की ना, मैं आज इस मंच पे, नहीं नहीं, आप जो पूछ रहे थे ना कि मोदी ने डिजिटल इंडिया के लिए इतना कुछ दिया, क्या हो पाया, एक भी हमने ट्विटर जैसा मीडियम खड़ा किया क्या, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं आपको वही अब आपसे कहना चाहता हूँ। अभी मैं देश के सामने साबित कर दूंगा कि भाजपा की कैसी दोगली पॉलिसी है। माननीय प्रवक्ता है भाजपा के इस मंच पे, मैं इन्हें ओपन चैलेंज देता हूँ, अभी अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दें, अभी इसी मंच में दिखा दें लोगों को मैंने डिलीट किया, नहीं करेंगे। ये बिजनेस करते हैं ये लोगों को, अब ट्विटर के नाम पे लड़वाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, अब ट्विटर और फेसबुक के नाम पे लड़वाते हैं। ओपन चैलेंज कर दें, अभी दिखा दें देश को मैंने डिलीट। नहीं नहीं, आपका चैलेंज बहुत शानदार है। मैंने गोल पोस्ट नहीं चेंज किया, मैंने ओपन चैलेंज दिया, कर दीजिए डिलीट। सुनिए, इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल हिंदुस्तान का एक एक शख्स कर रहा है। मैं खुद ट्विटर का इस्तेमाल करती हूँ और उसी के मंच पर जाकर उसके खिलाफ लिखूंगी। अगर वो मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ लिखेगा तो मैं उस मंच पर जाकर उसके खिलाफ लिखूंगी। ओ, देखिए ट्विटर में कैसी डेमोक्रेसी है कि आप ट्विटर पर ट्विटर के खिलाफ लिख सकती हैं। संबित पात्रा जी ट्विटर के खिलाफ ट्विटर पर लिखते हैं। अरे लॉ मंत्री जी ट्विटर के खिलाफ ट्विटर पर, अभी कहीं नहीं दिख सकता है, एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिख रहा है। आप यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर, वही तो कह रहा हूं, वो ट्विटर जिसने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, वो अभी तो तोड़ के मरोड़ के खत्म कर देते ना।
ट्विटर को खत्म कर देते अभी, क्यों नहीं किया हिंदुस्तान में? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ट्विटर पर, ट्विटर अपने सो दैट्स व्हाट हिंदुस्तान इज ट्राइंग टू शो अस सर। बात नहीं सुनती लेकिन ट्विटर लिखने देता है। देखिए मैडम, अगर मुझे भाजपा और ट्विटर में चुनना हो, मैं ट्विटर को चुनूंगा, क्योंकि ट्विटर अपने खिलाफ लिखने देता है, सुनता है, लेकिन भाजपा ना लिखने देती है ना सुनती है। तो ट्विटर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, भाजपा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये तो चाहती है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देश का बंद हो, इसीलिए ट्विटर को प्लेटफॉर्म थोड़ी है भाजपा और ट्विटर। यही तो आप लोग दिक्कत है ना आप लोगों की, भाजपा से नफरत के चक्कर में आप लोग ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे जाते हैं जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा होता है। दैट्स माय होल पॉइंट। आप निजेश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जनरल बख्शी आपके पास आऊंगी। नहीं नहीं अवस्थी साहब, आप अपना अकाउंट डिलीट कीजिए आज। ऐसा है रूबिका जी, वरना ये ड्रामा कृपया करके मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ड्रामा मत कीजिए, ये अपना अकाउंट इसी मंच पर डिलीट कीजिए। अगर ट्विटर देशद्रोही है, डिलीट कीजिए अकाउंट। उसने उसने आपको मालूम है मेरा है किया नहीं, आप ये क्या ड्रामा करेंगे? डिलीट कीजिए अकाउंट और बताइए अपने सब बीजेपी वालों को अभी अकाउंट डिलीट करो, और संबित पात्रा जी को भी बोलो डिलीट करें अकाउंट। अरे मां जी दादी सुन लो, आप लोग जनाब सुनिए, ये अरे $500 पे वहां पे बिकने वाले अमेरिका में लिखने वाले भारत के खिलाफ हमें समझा रहे हैं, खोल दो पोल पट्टी तुम्हारी सारी। कल तक कहते थे कि मैं इंडियन नहीं हूं, बोलिए। सैकड़ों यूट्यूब पे चैनल पे पड़े हुए तुम्हारे इंटरव्यू जिसमें कह रहे हैं कि मैं इंडियन नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं। खोलू मैं? देखिए मैंने क्या क्या कहा है, सब पड़े हुए यूट्यूब पर। वो उस यूट्यूब का, अरे सुनो माजी दादरी, अब सुन लो माजी दादरी सुन लो डेमोक्रेसी का राग अलापने वाले, अरे डेमोक्रेसी का राग अलापने वाले, मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर की डेमोक्रेसी का हिसाब किताब मेरे साथ सुन लो ना, कि वो जिस मर्जी को चाहे, उसकी वो तानाशाही है कि वो एक ही अपराध में एक को बैन करती है और दूसरे को खुला खुला छूट देती है। यह है डेमोक्रेसी, आपको सूट करती है तो आप उसको डेमोक्रेट कहते हैं, कल आपको बंद कर देगी तो आप उसको तानाशाही कहेंगे। बंद होगा माजी दहदरी, बंद होगा। और एक बात और सुन लो, 1,70,00,000 के करीब है, 135-137 करोड़ में से ट्विटर की तानाशाही करने वाली नहीं है, बंद करके बाहर फेंक देंगे उसको। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत के मानचित्र से, भारत की सीमाओं पर यह नीली चिड़िया नहीं उड़ सकती। अब ये सुन लीजिए, अब जैसे बाकी काम हुए ना, आपके विरोध के बावजूद हुए, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, जनरल बख्शी, उसके बाद रोहन गुप्ता। रूबिका जी लास्ट बात, कि एक जो नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया किया, सरकार का काम प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है, सरकार का काम प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है। जनरल बख्शी थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दीजिए, थैंक यू। अच्छा रूबिका जी, मैं कहना ये चाहता था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी यहाँ, याद है 200 साल पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और देखते देखते आई थी बड़े हाथ जोड़ के, पैरवी खुशामदी करके हमारे महाराजाओं की, हमारे राजाओं की अदालतों में, उनकी कोर्ट्स में, और धीरे 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 करके उसने इस देश पे कब्जा किया। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी सिंड्रोम नहीं चाहते। आप इंडिया में बिजनेस करने आए हैं, आप इंडिया में राज करने नहीं आए, आप इंडिया में ये फैसला नहीं करने आए कि माजिद हैदरी इज राइट एंड जी डी बख्शी इज रॉन्ग और वैसा वर्सा। ठीक है सर, हम सबको उतने ही हकूक है, उतने ही हमको अधिकार है जितने सब भारतीय बराबर। ये हमको एक अमेरिकन कंपनी का इसमें दखल अंदाजी नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट एन ईस्ट इंडिया कंपनी माइंडसेट। और अगर आपने बिजनेस करनी है इंडिया में, 57 करोड़ या जितने भी करोड़ का एनुअल मुनाफा आपने लेना है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, देन आई एम अफ्रेड आपको कोई चॉइस नहीं है but to follow the rules and regulations put in place by the government and people of India. Period sahab, agar aap nahi karna chahte, that is the way out. Aur is tarah se jitna ye jo hai push kar rahe hain the envelope, mera khayal they are just asking ki Nigeria jaise hum bhi ko bahar ka rasta dikha de, ya
जैसे तुर्की ने किया, जैसे आयरलैंड ने किया, अच्छे तगड़े फाइन लगाए ताकि थोड़ा सा वेन इट पिंचेस आपको फाइनेंशियल लॉस होता है आपको पता चल जाएगा। है तो बिजनेस में ना, है तो साहब बिजनेस में। नहीं पर ये चैलेंज दे रहे हैं ना कंपनी माइंडसेट। माजिद हैदरी साहब चैलेंज कर रहे हैं, माजिद हैदरी साहब कर दीजिए अपना कंप्लीट मंच पे। जनरल साहब आपसे विनती करता हूँ सर, आप एक सच्चे देशवासी हैं, आप हमारे लिए एक आइकन है, कर दीजिए अकाउंट डिलीट इसी मंच पे, दिखाइए मेरा कोई अकाउंट नहीं होगा ट्विटर पे। जब मेरी सरकार उठाएंगे बाहर कर देगी तो अकाउंट भी तो साथ जाएगा ना साहब, जब हमारी सरकार उठा के रास्ता दिखा देगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट भी जाएगा। नहीं देखें वो 200 साल बाद कब होगा वो छोड़े, वो 400 साल कितने लगेंगे, आप अभी डिलीट कर दीजिए। 400 साल 370 याद है कि नहीं है माजिद हैदरी साहब, आपको आपको 370 याद है ना माजिद हैदरी साहब, ऐसे ही आप लोग ताल ठोक के कहा करते थे, चैलेंज दिया करते थे 370 को हटा दीजिए ना, हटाकर तो बताइए ना, हटाकर तो बताइए ना, 400 साल लगे क्या, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा, हाथ जल जाएंगे हम लोग, ऐसा हाथ जला के आज तक सहला रहे हैं ना माजिद हैदरी साहब। काश भारत में ट्विटर एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, हर देशवासी उसको सपोर्ट देगा। चुनौती नहीं, ट्विटर एक पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए इस देश, वो हमें सही लोकतंत्र सिखाती है। अभी कह रहे हैं कि 200 साल लगेंगे, 400 साल लगेंगे, आप ट्विटर को आपको पार्टी बना देना, मतलब जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ है वो आपकी नजर में एक पार्टी बन जानी चाहिए है ना, फिर उसको वोट देंगे आप। हिंदुस्तान के खिलाफ की बात नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, जो मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माजिद हैदरी, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि उसकी हिम्मत होगी और वो हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल बिखेर देगा, खंड खंड कर देगा, ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसे कहते हैं आप माजिद हैदरी। देखिए ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। हम दोस्ती निभाना जानते हैं और हम दुश्मनी भी निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्विटर ने एक गलती कर दी, संबित पात्रा जी के झूठ की पोल खोल दी। अरे संबित पात्रा की मैं आज संबित पात्रा के शो, मैं आज संबित पात्रा के उस ट्विटर पर डिस्कस कर रही हूँ। संबित पात्रा क्या आपके दिलो दिमाग में बस गए हैं भाई साहब, इतनी क्या मोहब्बत आपको संबित पात्रा से। मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नक्शे से हटा दिया, आपको ये नहीं चुभ रहा है, आपको इस बात की खुशी हो रही है कि वो संबित पात्रा का जो ट्वीट है वो मैनिपुलेटेड दिखा दिया। उफ खुदा के वास्ते, थोड़ा तो साहिबा मेरे टीम में ये चुभ रहा है कि जो नक्शे पर है वो आज हमारे हाथ में नहीं है। 40,000 किलोमीटर चाइना खा गया, कल 40 किलोमीटर जम्मू में पाकिस्तान अंदर आ गया, बिल्कुल रोहन जी माजिद हैदरी की जवाब किसकी बातों का भी जवाब दे दीजिए। जो माजिद हैदरी बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि उनको इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। जहां देश की बात है वहां पे कोई बात ही नहीं है। ट्विटर ने जो काम किया है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत सीपीरियर। यहाँ पे मुद्दे की बात ही नहीं है, कैसे देश के नक्शे के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है, कैसे उसके वो बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं रूबिका जी, कोई मुद्दे की बात नहीं। मैंने मेरी बात की जब शुरुआत की तब जब आपकी जो प्रोडक्शन की क्लिप में दो तीन चीजें दिखाया गया जो मैनिपुलेट मीडिया की बात की, मैंने इतना ही कहा कि वो जो चीजें हैं जो सरकार का विरोध करने वाले को देश का विरोध नहीं मानना चाहिए। पर जहां तक हम जिस मुद्दे पे आज डिबेट कर रहे हैं वहां पे इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जो भी स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार को लेने चाहिए इसके खिलाफ लेने चाहिए, बिकॉज ये देश की बात है, देश की अस्मिता की बात है, देश के नक्शे की बात है, उसके साथ खिलवाड़ किसी को करने का अधिकार हम लोग नहीं दे सकते। देयर इज एब्सोल्युटली। और माजिद हैदरी जी आप यहाँ पे आके करते हैं, आप जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, आप ट्विटर पार्टी क्या बात कर रहे हैं, आप लोग आपके जैसे लोग ही जो है जिम्मेदार है, आप लोग जो बातों को घुमा रहे हैं, देश भाजपा को मौका आप जैसे लोगों के कारण मिलता है, भाजपा को जो मौका मिलता है आप जैसे लोगों के कारण मिलता है। आप समझने को तैयार नहीं है कि जहाँ देश की बात आती है वहाँ देश सबसे ऊपर है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। आपके जैसे लोगों के कारण भाजपा जैसी पार्टियां पनप रही है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। ट्विटर पार्टी कैसे बन सकती है? आप ट्विटर जो देश के नक्शे के साथ दिखाना चाहते हैं वो पार्टी कैसे बन सकती है मुझे बताइए। आप कागज के नक्शे के साथ नहीं खड़े रह सकते हैं, रियल नक्शे की बात कीजिए। हिमाकत नहीं होनी चाहिए कि देश के नक्शे के साथ खेले। देखिए आपको बोलना पड़ेगा, बात नहीं कीजिए, भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि ट्विटर को यहाँ पे इस बड़ी गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा जहाँ पे मुद्दे की बात।
अब हर चीज को इकट्ठा करते हैं। अब आप जवाब सुनिए, अब आप जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आप कागज का नक्शा दिखाना चाहते हैं देश को, असली देश का नक्शा है कहाँ? 40,000 किलोमीटर तो भाजपा ने चाइना को दे दिया, कल 40 किलोमीटर जम्मू में पाकिस्तान ले गया। अब देश का नक्शा है कहाँ मुझे आप पहले वो बताइए। किसको किसने दे दिया? स्पीकर को किसने दे दिया? स्पीकर के बाद के नक्शे के साथ खेलेंगे आप, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ डिबेट इस प्रकार से नहीं होगी। हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद कांग्रेस या बीजेपी में है। आप बताइए, अगर आप भारतीय हैं, आपने ट्विटर के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला पूरी डिबेट में, सबसे सुन रहा हूँ। अब आप बात सुनिए ना, जवाब तो सुनिए। जवाब सुनने का काम नहीं है आप पे। आप बोलिए क्या गलती है ट्विटर की? आप देश को कागज के नक्शे से बेवकूफ नहीं बना सकते। आप मेरे 40,000 किलोमीटर से बात करते हैं ना, आपके जैसे लोगों के कारण ही जो देश हित की बात है वो बाजू में रह जाती है। आप हिंदू मुसलमान करते हैं इस मुद्दे पर भी, शर्म आनी चाहिए आपको। जहाँ देश के नक्शे की बात है, अरे आप कैसे हिंदू मुसलमान हो गया, वो पूरा मुद्दा अलग है। किलोमीटर चाइना का आपको आपको माफी मांगनी चाहिए। जहाँ देश के नक्शे की बात है, आप ट्विटर की हिमाकत कर रहे हो। ऐसे काफी मुद्दे हैं जहां पे भाजपा की गलती हुई है, ऐसे काफी मुद्दे हैं, हमने डिबेट भी उसके भी लिए, पर आज का जो मुद्दा है, नक्शे का मुद्दा है, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय हैं तो बोलिए कि ट्विटर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हम सबको साथ में खड़ा रहना होगा। हम जानते हैं बहुत से जो सिंधिया सिंधिया है, बहुत से इसमें हम जानते हैं बहुत से लोग हैं कांग्रेस में कौन कैसे और बाकी पार्टी में कौन कैसे। मैंने आपको सीधा कहा नक्शा है कहां देश का? माजी रेजरी बताइए कि मैंने आपको कहा नक्शा है कहां? आप बताइए जनाब, आप बात अब आप जवाब सुनिए थोड़ा तमीज से। टाटा को नहीं दिखाया गया, आप बताइए एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए ना। आप कागज के नक्शे की बात करते हैं, लेकिन जो 40,000 किलोमीटर भाजपा ने कांग्रेस को दिए वो आप बात नहीं करेंगे। जो कल 40 किलोमीटर मेरे देश में जम्मू के अंदर पाकिस्तान का ड्रोन आया, हम नक्शे की बात कर रहे हैं अभी। क्या गलती है कि नहीं है ट्विटर की? भारत ट्विटर की गलती है कि नहीं, पहले बताइए। आपने कांग्रेस को दिया, आप बाजी रहती बाकी बातें बाद में कीजिए, पहले बताइए कि ट्विटर की गलती है कि नहीं। पहले ये तो बताइए, मुझे तो पता ही नहीं कब दिया ट्विटर। ये 40,000 जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, ये रोहन गुप्ता आप लोगों ने कब जमीन ले ली? ये कह रहे हैं बीजेपी ने आपको दे दिया। वो उनको ही पूछिए, उनको ही पूछिए जरा, मुझे नहीं मालूम है। मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ भिखारी, देश की बात आएगी। माजी दिल जीत लिया आपने, जो यहाँ पे देश को डिवाइड कर रहा है। दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया। और ये मैं ये मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ। क्या कांग्रेस के अंदर क्या माजी धैर्य? कांग्रेस के कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं वो, कुछ पाकिस्तानी दिख रहे हैं। का सबूत किसी को नहीं देना यहाँ, मैं जानता हूँ इस मंच नहीं तो रोहन गुप्ता आपको सबूत दे। रोहन गुप्ता हिंदुस्तान की बात कर ली तो रोहन गुप्ता कांग्रेस में बीजेपी और आरएसएस हो गए। हाँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट करने लगे तो आपको लगता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं है? मैं भारतीय हूँ यहाँ पे। अरे मैडम, भारतीय होते तो ये बोलने की हिमाकत नहीं करते। भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होगा। वेरी गुड, कीप एक्सपोजिंग योरसेल्फ। खिलवाड़ नहीं होगा। नहीं नहीं, करते रहिए अपने आप को। यहाँ हिंदुस्तान की बात की तो रोहन गुप्ता ने खाकी, नहीं नहीं वो आपको खाकी नजर आने लगे, वो आपको आरएसएस वाले दिखाई देने लगे। और अगर आप मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी कि वहाँ कश्मीर में बैठे कुछ पाकिस्तानियों में से एक आप दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो ट्विटर को पार्टी तो बनाना चाहते हैं लेकिन ट्विटर के खिलाफ एक्शन पर जुबान से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। मैडम मैं तो कह रहा हूँ देश का नक्शा कहाँ है, आप क्या समझ नहीं पा रही हैं? आप ये सवाल मेरा, जम्मू में 40 किलोमीटर अंदर का पाकिस्तान का ड्रोन आया, इंटैक्ट है। आपने सपने में देखा होगा, ये सपना जो आप सोच रहे हैं ना ट्विटर के जैसे, वो पूरा नहीं होने का है। अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुनिए माजिद हैदरी, आपको भी पता है ये क्यों हो पाता है। ड्रोन पर तो बहुत आप उछल कूदी करके बात कर पा रहे हैं, बुरहान वानी पर कहिए तो ऐसी दो चार बातें कि कैसे ये बुरहान वानी आया और मेरी जमीन को चीर गया, लहूलुहान कर गया। बोलिए जाकिर मूसा के बारे में बोलिए एक शब्द। क्या ट्विटर पे ड्रोन के बारे में तो बड़ा बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेट्स टॉक अबाउट बुरहान वानी। जिसने वहां मौजूद मेरे हिंदुस्तान के जवानों को दुखी किया, परेशान किया, कईयों को शहादत झेलनी पड़ी थी, कहिए बुरहान वानी के बारे में। ये ड्रोन तो नॉन लिविंग है, इसके बारे में तो बात देखिए, मैं उसके बारे में कहिए ना, कहिए तो देश का कानून कहेगा। मैं तो जज नहीं होना है, मैं वो तो देश का कानून कहेगा। जो जो कानून ने कहा उसी को मानूंगा, उसका पालन करूंगा। के लिए जज है और बुरहान वानी के लिए नो जजिंग। यार माजी रजरी,
बोलिए कि ट्विटर ने गलती की है पहले ये मैडम, मैं अगर आप भारतीय मानते हैं अपने आप को तो बोलिए ट्विटर की गलती है। मैं भाजपा को नहीं मानता, मैं कानून को मानता हूँ, संविधान को सलाम करता हूँ। की गलती है कि नहीं है? को मत मानिए, जिसको मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। की गलती है कि नहीं है? मुझे दिक्कत है बुरहान वानी को आप अपना मानते हैं इस बात से। देखिए ट्विटर की गलती बाद में है, पहले मेरी सरकार की गलती है कि हमारे देश की आज सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पवन दुग्गल सरकार कहाँ से आ रही है इसमें? यहाँ ट्विटर की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्विटर ने जो गलत नक्शा रखा उसके ऊपर डिबेट हो रही है। आपने एक वर्ड नहीं बोला ट्विटर के खिलाफ। कौन सी डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे आके आप? ट्विटर के खिलाफ लोगों की अकाउंट डिलीट कीजिए, उसको फायदा होता है, उसको मोटा मिल जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी है सब हमारी शर्तों पर ट्विटर को काम करना होगा। हम क्यों ट्विटर के आगे बेचारे बने? क्यों बने? अकाउंट डिलीट कीजिए, अकाउंट डिलीट शुरू कीजिए, अकाउंट डिलीट करना। सुनिए मेरी बात सुनिए, अकाउंट डिलीट क्यों करें? हम तो ट्विटर को डिलीट करेंगे, हम ट्विटर को डिलीट करेंगे, हम ट्विटर से अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे। पूरा का पूरा जाए, आप डिबेट से निकल जाइए, पूरा का पूरा जाएगा और नहीं तो हमारे आगे झुकेगा। आज सिंपल इज दैट मेजर जनरल बख्शी। दो सेकंड लेना चाहूंगा, दो मिनट लेना चाहूंगा। ओके 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 रोहन गुप्ता, देखिए रूबिका जी, जहाँ देश की बात है, जो माजी दर्जी जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, यही पे मुद्दा है। यहाँ पे ये लोग जब इसको ही मौका मिलता है, जो भाजपा जैसी पार्टियों को, कि जो सत्ता में विरोध उनका होता है, उसको देशभक्ति से जोड़ देते। दोनों मुद्दे अलग हैं। यहाँ पे मैं उस बात को आज बात नहीं करूंगा, देश के नक्शे की बात होगी। वहां पे आप ट्विटर के साथ नहीं खड़े रह सकते हैं। माजी जैसे आपको चीज समझनी पड़ेगी। और एक बीजेपी के विरोध के चक्कर में जब हिंदुस्तान, आज आप उस बात को बिल्कुल अच्छे से समझे, और जैसे ही आप समझे, देखिए माजी धैत्री ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि कांग्रेस में ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं जो कांग्रेस ही नहीं है। हम तो उनके मतलब आप भाजपाई हो गए, आप आरएसएस के हो गए। आज आज वो दर्द आप समझ पा रहे हैं ना मेजर बख्शी? ओके ओके रोहन जी, आज तो आपने दिल जीत लिया है। आज तो रोहन जी आपने दिल जीत लिया है, बात ही खत्म, बात ही खत्म। जनरल बख्शी देखिए, बात रूबिका बहुत बुनियादी असूल की हो रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम जनरल बख्शी। मैं कह रहा था कि बात बहुत बुनियादी असूल की हो रही है। एक देश की सॉवरेनिटी उसकी सीमाएं डिफाइन करती है। हम सब जब अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन देते हैं, हम साइन करते हैं, इंक्लूडिंग माजिद हैदरी साहब, कि आई यू नो फुल फेथ इन द सॉवरेनिटी एंड यू नो इंटेग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हम लोग साइन करते हैं पर्सनली, इंडिविजुअल। ठीक है साहब, ये साइन करने के बाद आप यहां आके, जहां एक कोई संस्था बाहर की, अमेरिका तीसरे देश की, हमारे देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करती है, परिहास करती है, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाती है, वी आर ड्यूटी बाउंड एज इंडियन टू प्रोटेस्ट। कम अज कम ये प्रोटेस्ट मैं समझता था आज माजिद हैदरी से आना चाहिए। नहीं, ये तो फिर बात वो हुई ना साहब, सिराजू दौला और क्लाइव की लड़ाई हो रही है, और वहां पे मीर जाफर साहब कूद पड़ते हैं क्लाइव साहब के साथ। भाई जो भी मसाइल हुए हो सिराजू दौला में और मीर जाफर, क्लाइव के साथ मिलना जरूरी था क्या? उसकी कीमत हम आज तक अदा कर रहे। सीनियर मैन किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। माजिद साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, फिर आपको बोल रही हूँ, जो आप चैलेंज कर रहे हैं ना कि ट्विटर अकाउंट हटाओ, ट्विटर अकाउंट नहीं, ट्विटर को हटाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की लड़ाई जो है वो और तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को भ्रष्ट कहा है, आरोप लगाया है कि 1996 के जैन हवाला केस की चार्जशीट में धनखड़ का नाम है। ममता ने कहा है कि उन्होंने धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को 3-3 चिट्ठियां लिखी है। उधर राज्यपाल शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें वो ममता के आरोपों पर अपनी सफाई दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।